जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। जैसे कि आज है सावन का पहला सोमवार, सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और आज हम बनाने वाले हैं घुइया की सब्ज़ी। तो वैसे भी घुइया की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन वाली ही बनती है, और यहाँ पर हमने घुइया भी बॉयल कर दिया था। जब तक हम झाड़ू पोंछा किए हैं तब तक इधर घुइयां बॉयल हो गए थी। और कढ़ाई में हमने लिया है कड़ुआ तेल, इसमें हमने डाल दिया था जवाइन, मिर्चा, और इसके बाद अच्छे से जब ब्राउन हो गए इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। और इसके बाद हम डालते हैं जो हमारी बॉयल हुई की घुइयां हैं। और घुइयां डालने के बाद ना इसमें अभी हम नमक नहीं डाल रहे, अच्छे से इसको भून लेते हैं, इसके बाद ही हम नमक डालेंगे। और वैसे भी ना घुइयां की सब्ज़ी बनाना ना बहुत ही ईजी है। और जैसे कि सावन के महीने में काफ़ी लोग होते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और ना तो किचन में लाते हैं, लेकिन हमारा तो नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे पति देव को ना बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी ही चाहिए। अब भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच नमक, और इसके बाद ना 5-10 मिनट के लिए ढक देते हैं। घुइया की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार। वैसे भी घुइया की सब्ज़ी के साथ ना अगर आप पूड़ी खाओ तो ज़्यादा ही सही रहता है, लेकिन हमारे पति देव यहाँ पर रोटी ही खाएंगे। और हमने आटा भी गूंद करके रख दिया, और आप लोगों को ना अभी टाइम दिखा रहे हैं, ये देखिए 4:00 कुछ मिनट हो रहे हैं और बाहर का नज़ारा देखिए, बारिश हो रही है हल्की फुल्की वाली। और हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, और हमको ना फूल बेलपत्र भी लाना था, लेकिन इतने काम करने के बाद हम निकल ही गए क्योंकि जो मालिन दीदी फूल बेलपत्र लाती है ना, आज वो लाने वाली नहीं है। और आज ना वो मंदिर में ही लेकर के बैठेंगी, वहीं पर सबको देंगी, लेकिन अपना मन नहीं मान रहा था तो हम फूल बेलपत्र भी ले आए। और आज ना हमको पौधों में पानी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश हुई है, तो यहाँ की धुलाई भी कर लेते हैं। सुबह से हम इतना परेशान थे, बार बार झांक ताक कर रहे थे कि बारिश थोड़ी रुक जाए, तो हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, फूल बेलपत्र तोड़ लाते हैं क्योंकि सोमवार का दिन है और फूल बेलपत्र भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार हमने नहा लिया था, नहाने के बाद ही सब्ज़ी बनाए थे, आटा गूंदे थे, दोबारा हमको फिर से कपड़े चेंज करना पड़ेगा। इनको बना दिए थे रोटी, ये भी गए ऑफिस, और बच्चों को भी आज हमने रोटी सब्ज़ी पैक करके दे दिया था क्योंकि रात से ही मनु कृष्णा की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, भारी भारी इनका पेट लग रहा था, इसीलिए कह रहे थे माँ कुछ भी नहीं ले जाए क्योंकि शाम को ना बच्चे उल्टा सीधा सब चीज़ें खा लेते हैं, कितना भी मना करो। और इस समय ना बारिश के सीजन में बाहर की चीज़ें कुछ भी खाने लायक नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर हमने पूजा की थाली भी सजा लिया, और भोले बाबा की पूजा ना तो बहुत ही आसान है, जो हम डेली भोले बाबा में चढ़ाते वही सब ले लिए हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे दूध वाले भैया का कि वो भी आ जाएं तो कच्चा दूध भी ले लेते हैं क्योंकि भोले बाबा में कच्चा दूध चढ़ाना ज़रूरी है। तो मीना बोल रही कि पंचामृत हमने ले लिया है, तो हम सब लोग चल रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन हम भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं। और वो लक्ष्मी जो सामने रहती है ना, उसको हम देख रहे हैं कि उसको भी हमारे साथ चलना था भोले बाबा के मंदिर। शाम को ही बोली थी कि आंटी जब चलिएगा मंदिर तो हमको भी बताइएगा। और ये जो सामने प्लाट देख रहे हैं ना आप लोग, इन्हीं में उनका मकान बना हुआ है, यहीं पर वो लोग रहते हैं। तो बस पहुंच गए हैं मंदिर, और ये देखिए मालिन दीदी ना हमारी यहाँ लेकर के बैठी हुई हैं फूल बेलपत्र, इसीलिए तो आज घर नहीं आई है ना। और यहाँ पर सब बहनें कर रहे हैं पूजा, तो आप लोग भी भोले बाबा की पूजा करिए। और ऐसे ही 8 सोमवार पड़ेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही थाली सजा करके फूल बेलपत्र अक्षत है और पंचामृत है, कच्चा दूध है, सब ले करके भोले बाबा की पूजा करना। हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग भोले बाबा की पूजा सावन के सोमवार में कैसे करते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ सामान रखने में भूल हो गई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भोले बाबा की पूजा करने के बाद हमने आरती भी कर लिया, अब सोच रहे हैं थोड़ी समय के लिए ना बैठ करके 5-10 मिनट भोले बाबा की प्रार्थना भी कर लेते हैं। प्रार्थना है, आरती आप लोगों को यहाँ नहीं सुना सकते हैं क्योंकि ना इतने सुंदर सुंदर भोले बाबा के यहाँ पर भजन चल रहे थे, तो हम भी सुन रहे हैं। भोले बाबा की प्रार्थना करने के बाद अब हम निकल लिए हैं घर के लिए, और भोले बाबा की पूजा करके ना बहुत ही शांति मिली। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोगों ने अपनी बुआ को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सपोर्ट दिया, जितने भी मायके के ब्लॉग थे आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया, और आगे ऐसे ही प्यार देते जाइएगा। और घर आने के बाद ना देखें कि यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो हमने दूध भी डाल दिया। और डेली ना उनको चाय बिना पिए हुए हम जाने नहीं देते हैं क्योंकि बेचारी इतने दूर
दूर से आते हैं और एक कप अगर चाय दे देते हैं तो कितने भाव से वो पी लेते हैं। तो हम यहाँ पर चाय भी उनके लिए बना देते हैं। और आज ना ये मैंगो सेब बना कर गए थे, लेकिन बच्चे ना बिल्कुल नहीं पिए हैं, क्योंकि मैंगो सेब ना थोड़ी भारी भी होता है ना, इसलिए डेली बच्चे पीते थे, इसीलिए ना थोड़ी हमको लगता है इसीलिए उनका पेट भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर रखा हुआ है चार में, तो हम पापा जी को भी दे देते हैं और दूध वाले भैया को भी पूछ रहे हैं कि आप भी पी लीजिए, बोल रहे हैं हम नहीं पियेंगे भाभी। तो लोटे में डाल करके कुछ रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और दो कन्याएं हमारे साथ ही आ गई थी, जब हम मंदिर से आ रहे थे ना तो बोल रहे थे कि दीदी हम भी चलेंगे आपके घर, और हमेशा आती रहती हैं, अभी आप लोगों से ना मिलवा रहे हैं कि दो कन्या कौन सी हैं। तो हम सोच रहे हैं पहले उनको भी पिला देते हैं। थोड़ी मैंगो और कटा हुआ रखा हुआ है, तो इसको भी जार में डाल करके फेंट लेते हैं। सभी फलों का राजा होता है मैंगो, और यहाँ पर अच्छे से हम इसको फेंट लेते हैं। इसके बाद सबको देते हैं पीने के लिए। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए मैंगो सेब पीने के लिए। और इस समय ना, इस सीजन में ना व्रत करना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि जब तक मैंगो है तब तक आराम से आप व्रत करिए, कोई भी फल लाने की और खाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ना हमको मंदिर में मिल गई थी, तो हम लोगों को ना बुला करके ले आए थे। हम बेड शीट वगैरह भी डाल देते हैं। और आप लोग कहोगे कि दीदी ये बच्चे कौन हैं, तो जो मालिन दीदी आती है ना फूल बेल पत्र लेकर के, उन्हीं के बच्चे हैं। और जब भी हमको मंदिर में देखते हैं ना तभी हमारे पीछे पीछे चले आते हैं, लेकिन बच्चे भी ना भाव के भूखे होते हैं, बड़े प्यार से इनको कुछ भी खिला देते हैं तो खा लेते हैं। और यहाँ पर एक हफ्ते की ना हमारी मलाई रखी हुई थी, तो इसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी ना काफ़ी ठंडी है। हम सोच रहे हैं थोड़ी समय के लिए ना पानी डाल करके रख देते हैं, तभी हमारा मक्खन अच्छे से निकल। अभी निकाल करके रख दिए थोड़ी सी मथे हैं, और अभी ना मलाई बहुत ही ठंडी है, उसमें ना मथने में टाइम लगेगा, तब तक हम पी लेते हैं अपना गर्म पानी। अभी गर्म पानी भी नहीं पिए हैं, तो पहले खाते हैं भोले बाबा का प्रसाद बेलपत्र। आज ना हमारी सुबह से ना कुछ तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा, ऐसे लग रहा है कि मतलब ना तो कुछ नाश्ता करें, और वैसे ही रहता था, थोड़ी बहुत ना मैंगो सेब लेते थे, लेकिन आज मैंगो सेब बना रहे इन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं कर रही कि हम मैंगो सेब खा पिए। सावन का सोमवार का व्रत ना तो सभी बहनें आज आप लोग व्रत होंगी, लेकिन हम भी बचपन में रहते थे जब हमारे भोले बाबा हमको नहीं मिले थे, और जब से भोले बाबा मिल गए ना तब से हम सावन के सोमवार नहीं रहे, लेकिन आज ना भोले बाबा इसीलिए हमको ऐसा कर दिए हैं कि तुमको सावन का सोमवार का व्रत करना है, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम भी करेंगे सावन का सोमवार का व्रत, क्यों हम भी व्रत रखेंगे, ठीक है। और इस बार ना दो महीना व्रत करना है, यानी चार सोमवार इस महीने पड़ेंगे और चार सोमवार अगले महीने पड़ेंगे, तो आठ सोमवार का व्रत हम बहनों को सबको रहना है, और भोले बाबा की ऐसे ही विधि विधान से पूजा भी करना है। अच्छा, आपकी मम्मी रहती हैं। और पहले ना जब हम तुम लोगों जैसे थे ना छोटे छोटे, तो हम लोग ना बचपन में जब व्रत को करते थे सावन के सोमवार या सोलह सोमवार, तो शाम को ना हमारी अम्मा बोलती थी कि भोले बाबा का व्रत ना एक टाइम किया जाता है, तो जो आटे की और वो कंडी का मतलब आग जला करके अंकरी बनती थी, तो अंकरी और पना हम लोगों को हमारी अम्मा खिलाया करती थी, तो वही हमको सब याद आ रहा है। लेकिन अब ना हम फलाहारी रहेंगे, बचपन की कुछ बातें अलग थी। करें वो अंकर कन्याएं पूछ रहे अंकरी क्या होता है, आटा सान करके जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ गैस में बनाते हैं रोटी, वहाँ पर ना वो जो कंडी की आग जला करके, हाँ गाय की गोबर की जो कंडी होती है उसको कंडा नहीं जानते हो, यहाँ कंडी बोलते हैं, अपनी तरफ कंडा बोलते हैं मायके में, है तो उसको जो गुर्सी होती है ना मिट्टी की गुर्सी रहती थी, उसी में आग जला लेती थी अम्मा, और तवा वगैरह कुछ भी नहीं रखा जाता था, हाथ से पो करके और उसी आग में डाल करके बस ऐसे पका करके और घी लगा करके, और हम लोग ऐसे ही पना से खाते थे, तो बहुत ही टेस्टी लगता था। इन लोगों के साथ ना आप लोगों से भी इतनी सारी बातें आज बारे में, अब अपनी मम्मी से बताना कि हम कैसे बनाते हैं अंकरी, और जब बचपन में व्रत करते थे तो हम क्या खा करके व्रत रखते थे, ठीक है, सोमवार का बताओगे ना, आप लोग भी करोगे ऐसे व्रत, नहीं कर पाओगे तुम लोग मत करना, ठीक है, तुम लोग खूब बड़े फल खाना, दूध पीना, जो अच्छा लगे वही खाना, ठीक है, खूब फलाहारी खाना, ठीक है, फलाहार जो भी मम्मी बनाए वही सब खाना। ये लोग आ गए ना तो हमारा भी पूरा टाइम पास हो गया ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम से सुना सुना सा लगता है। और इस समय ना सासू माँ भी नहीं है, सासू माँ गई हुई है गाँव घूमने। तुम लोगों को चाय पीना है, अभी तो हम नहीं चाय पियेंगे, एक घंटे बाद ही पियेंगे, थोड़ी सी आराम करेंगे, इस
उसके बाद जब अच्छे से इच्छा करेगी कुछ खाने पीने की तभी हम चाय पियेंगे। तुम लोगों को पीना हो तो बना दें, हमारे साथ ही। चलो ठीक है, थोड़ी देर में बनाते हैं, तुम लोग बैठो। हैं चाय पीने के बाद ना आ गए हैं ऊपर के हॉल में, तो यहाँ भी लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि सुबह से ना यहाँ का झाड़ू पोंछा नहीं हो पाता है, क्योंकि पापा जी भी रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं और बच्चे भी ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, तो दोपहर में सबके जाने के बाद जब झाड़ू पोंछा करते हैं ना तो सही रहता है, शाम तक साफ रहता है। तो पहले हम लगा लेते हैं झाड़ू, इसके बाद आज हम सोच रहे हैं पोंछा ना लगाएं, क्योंकि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन पोंछा लगाओ तो सही रहता है। इस समय बारिश का टाइम चल रहा है, धूल भी नहीं ज़्यादा आती है और रूम भी हमारा साफ दिख रहा है। झाड़ू भी हमने लगा लिया और इसके बाद ना जो सुबह के धुले हुए हमारे कपड़े थे वो सब सूख गए हैं, तो हम सोच रहे हैं जो सूखे कपड़े हैं इनको भी निकाल करके रख देते हैं, और हमको मीना को कहीं जाना भी है, कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं सामने ही प्रियम प्लाजा ही जाना है, मीना को कुछ पूजा पाठ का सामान लाना है। ये महीने ना होते ही कुछ ऐसे हैं कि इसमें ना पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए, तो जितने भी सूखे कपड़े थे हम सब निकाल करके रख देते हैं। अब हम लोग निकल लिए हैं और रास्ते में ना ये बरम बाबा का पेड़ पड़ता है, तो यहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि सोमवती अमावस्या भी आ रही है, और यहाँ पर बहनें कह रही हैं कि 17 जुलाई को पड़ रही सोमवती अमावस्या। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, अगर आप लोग भी सोमवती अमावस्या में फेरी लगाते हो तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिएगा, और आप लोग कब फेरी लगाना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है कि नहीं है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं प्रियम प्लाजा, तो आप लोगों को भी घुमा देते। थोड़ी ही सामान लेना था, हम लोग ले लिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। आए ना तो रास्ते में देखें अमरूद, लालच आ रही थी, लेकिन कुछ लोग ना इतने अच्छे धार्मिक है, बोल रहे हैं कि तोड़ लीजिए आप लोग भी अमरूद, वो लोग भी अमरूद खा रहे हैं, हम लोग भी तोड़ रहे। वाह, इतने बड़े बड़े वाले अमरूद आप लोग भी खाइए। बारिश भी होने लगी हल्की फुल्की वाली, आज ना सावन में यानी पहला सोमवार हम लोग सावन में बारिश का आनंद उठा रहे हैं पूरा। चलिए बस करिए, सब तोड़ लेंगे क्या, कह दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा पेड़ ही उठा करके ले चले घर। हेलो, आपने है कह दिया कि अमरूद तोड़ लीजिए, नहीं यहाँ कोई नहीं कहता, कहता अरे हमारे अमरूद मत तोड़िएगा, कौन तोड़ लीजिएगा। अमरूद लेने के बाद ना इतनी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई, तो यहीं पास में ना आंटी जी का मकान है, तो वह जैसे हमको देखी कि बारिश में कहाँ भीगते हुए जा रहे हो, आओ बैठो। और आंटी जी के यहाँ ना नींबू का पेड़ भी था, तो लक्ष्मी ने 3-4 नींबू भी तोड़ लिया है। आंटी जी किसी से फ़ोन में बात भी कर रही हैं, और लक्ष्मी को देखो कैसे हम लोगों की वीडियो शूट कर रही है कि आंटी जी लोग आप लोग कैसे अमरूद खा रहे हो, और आंटी बोल रही हैं कि अभी बैठो, जब बारिश कम हो जाएगी तभी तुम लोगों को जाना है। और आज ना हम लोग छाता लेकर के भी नहीं निकले थे, लेकिन बारिश समय ना हमेशा हाथ में छाता लेकर के ही निकलना चाहिए। और हम लोग बस पहुंच रहे हैं घर। सावन में बारिश का आनंद तो हमने खूब लिया, लेकिन हमारे ससुर जी क्या कर करके चले गए, हम लोग गेट के बाहर हैं और गेट में ताला बंद हो गया है, और हम लोगों को ना पता नहीं है कि हमारे ससुर जी गए कहाँ हैं। और यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि लगता है बच्चों के स्कूल गए हैं। हम लोग भी 5-10 मिनट तक इंतज़ार करते रहे, और इतनी उमस वाली गर्मी थी कि हालत ख़राब थी, और जैसे ही बाहर खड़े रहे उतने में आ भी गए हैं, तो हम लोगों की गेट के अंदर एंट्री भी हो गई। अब जा रहे हैं थोड़ी समय के लिए फैन में बैठते हैं, और बच्चों को भी टाइम हो रहा था, 2:30 बजने वाले थे, तो हम सोच रहे हैं जल्दी बना लेते हैं उन लोगों के लिए खिचड़ी। तो इधर हमने रख दिया था अपना मक्खन पकने के लिए, और बच्चों के लिए खिचड़ी पका दी है, बच्चे खिचड़ी भी खा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने खिचड़ी पकाया। इस ब्लॉग का एंड करना चाहते, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाय।